अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान मुस्लिम नवाज कनाडा की टीम के साथ यहाँ पे हाज़िर हुए मिसिसागा के अंदर एक रेस्टोरेंट में। हमने प्रोग्राम योग में तकबीर के हवाले से जो है मुनक़द किया है। यहाँ पे काफ़ी लोग पाकिस्तान की कम्युनिटी दोस्त अहबाब आए हुए हैं और आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम दिन है। ये एक कौमी दिन है जब कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाया और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर ये पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने फैसले खुद करता है और इसके साथ पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके की नज़रों में नज़रें डालकर हम बात कर सकते हैं अब। और आने वाले दिनों में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान को पहले हमने एटमी कुव्वत बनाया, अब माशी कुव्वत भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और उनकी क़यादत के अंदर जनाब इसहाक़ डार साहब की क़यादत के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा माशी तौर पर। और जनाब डार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपका साथ पाकिस्तान के साथ रहे और आप इसी तरह पाकिस्तान को लेकर आगे चलते रहें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर। कामरान मलिक बात कर रहा हूँ, PMLN कैनेडा सेक्रेटरी जनरल। सबसे पहले तमाम कौम को, तमाम दोस्तों को, तमाम मुल्क के एक एक बच्चे को योम तकबीर बहुत बहुत मुबारक। आज योम तकबीर के हवाले से हमने PMLN कैनेडा के झंडे के तले ये एक तकरीब मुनक़द की है जिसमें तमाम GTA टोरंटो एरिया से मेहमानों ने शमूलियत हासिल की, अख्तियार की। हम मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन की, वो भी आए और हमने उनको योम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान की अचीवमेंट्स के मुतालिक बताया। ये सच ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि जिसको हम किसी पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यही इवेंट या पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था पाकिस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया और जिसका इख्तिताम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक इंतहाई दिलेराना फैसले के तहत तमाम दुनिया के प्रेशर को रद्द करते हुए एटमी धमाके किए जो कि इंडिया के 5 एटमी धमाकों के जवाब में थे। और ये पाकिस्तान कौम की एक जिंदा मिसाल है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इसी तरह जो नेशनल यूनिटी दिखा के इसी किस्म के तमाम हालात में अपने दुश्मन का मुकाबला करेगी और पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएगी। मैं तमाम गेस्ट का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस मौके पर हमें ज्वाइन किया। हर किस्म की पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर और हमारे साथ यक आवाज़ होकर उन तमाम लोगों को याद किया और उनको अप्रिशिएट किया जिनने इसमें अपना अपना रोल अदा किया। बहुत शुक्रिया। इस मौके पर मैं टैग टीवी का स्पेशली शुक्रगुजार हूं कि वो हमेशा ऐसे इवेंट्स को प्रमोट करते हैं और हमें अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने का मौका देते हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मीडिया का इंतहाई शुक्रिया जिन्हें हमारे साथ यहाँ तआवुन किया, बहुत शुक्रिया। मज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपके मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अगर आज मैं 70s में चला जाऊं जब हम स्टूडेंट थे और इस काम का आगाज़ जो भुट्टो साहब ने ये कहा था कि मैं हम घास खा लेंगे लेकिन हम पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर जो है डेटरेंट आपने प्रोवाइड करेंगे, तो यही हुआ कि भुट्टो साहब ने नामसाइद हालात में इस काम का आगाज़ किया जिसमें हमारे साइंटिस्ट कदीर खान साहब ने बहुत काम किया और इसके साथ जो नवाज़ शरीफ साहब ने जो काम किया, मैं समझता हूँ कि बड़े मजबूरी जो थी उसमें ये भी थी कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगना थी, लेकिन ये लेटर में दिखा रहा हूँ कि जब हमने पाकिस्तान में जो बम का धमाका किया और मियां साहब को, मैं पीपल्स पार्टी में मैं प्रेसिडेंट था और मैंने मियां साहब को ये ख़त लिखे और मियां साहब के साथ रابطہ किया, तो ये यौम तकबीर पर मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे जवाब दिया और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा इंशाअल्लाह ताला हमेशा पॉलिटिकली हमारा रابطہ रहेगा। इलेक्शन हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए बना है
तो हम जमहूरियत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे। और मैं इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों को और बिलखसूस पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको मुबारकबाद के पेश करता हूँ कि एक अजीम काम जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया उसको पाया तकमील तक पहुँचाने वाले जो थे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकमल शहजाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN कनाडा। तो यहाँ हम 28 मई के हवाले से योम तकबीर के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं। जैसा कि योम तकबीर चंद ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिस पे पाकिस्तान की कौम फ़ख्र कर सकती है, और मियां नवाज शरीफ के दरेराना फैसले से आज पाकिस्तान एक पहली मुस्लिम दुनिया में एक पहली एटमी कुव्वत है। तो इस सिलसिले में मुस्लिम कनाडा भरपूर तरीके से पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेशन कर रही है। थैंक यू वेरी मच। 28 मई का दिन हर बंदा जानता है कि उस दिन क्या हुआ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर कितना दबाव था, कितना प्रेशर था पूरे वर्ल्ड का, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिखाया जो उन्होंने करना था। उन्होंने एक वो काम किया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा, और उसकी वजह से आज भी हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाकिर जुवेद है, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PMLN कनाडा हूँ। और यौम तकबीर जो है ये हमारे वतन अज़ीज़ के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत ही शानदार बाब की तरह रोशन है। और इस दिन हमारी जमहूरी हुकूमत ने, मियां नवाज शरीफ के फ़ैसले ने किसी भी इंटरनेशनल डिक्टेशन को एक्सेप्ट करने के लिए इनकार कर दिया, और उन्होंने जो इंतहाई कौमी मफाद में एक फ़ैसला था वो किया, और उसके जो असरात थे उनसे निपट बतरीके आसन उनसे उन्होंने निपटा, और इससे पाकिस्तान नाकाबले तस्खीर हो गया। और मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने पाकिस्तान की आइनी दफाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की है, और वो यही तीन चीज़ें किसी मुल्क के दफा के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइन की सरबुलंदी के लिए तीन बार उन्होंने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी है। यौम तकबीर पे उन्होंने एक फ़ैसला किया जिसने पाकिस्तान के दफा को नाकाबले तस्खीर बनाया, और जो कानून की बाला दस्ती के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए वो हमेशा सरगर्म और कोशां रहे हैं, और ये अपने मिशन को लेकर पाकिस्तान को एक अजीम रियासत बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब मेरा नाम बंडी जट है, और मैं अपने पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पूरी दुनिया में रहने वाले बसने वाले पाकिस्तानियों को आज के दिन यौम तकबीर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें जिस मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये वक्त आया एटमी धमाके करने का, तो इन्होंने बगैर कुछ देखे अपनी कौम को, अपने पाकिस्तान को अपने नज़रों में रखते हुए ये फ़ैसला किया। अब अगर आप लोगों ने इसकी अहमियत जाननी है तो उनसे पूछें, यूक्रेन वालों से, इसकी अहमियत की वजह से जैसे ये जो एटमी धमाके हुए हैं हम बहुत महफूज समझते हैं अपने आप को, कोई दूसरा मुल्क हमारी तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकता। बहुत शुक्रिया, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम यहाँ 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से सारे जमा हुए हैं PMLN कनाडा में, और आज का दिन पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी का दिन है। आज के दिन PMLN के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम अंदरूनी बैरूनी दबाव के बावजूद मुल्क को एक एटमी ताकत बनाया, और दुनिया के नक्शे पे पहली इस्लामी रियासत और सातवीं बड़ी एटमी ताकत के तौर पे दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं तमाम पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में तमाम अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनके तमाम टीम को भी करता हूँ मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी वजह से पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन के उभरा। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जी, थैंक यू सारे दोस्तों का, आज सारे इकट्ठे हुए हैं, और आज का दिन जो है ना बहुत अहमियत रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैद ने जो है ना वो अपना बताया है कि भाई पाकिस्तान का जो है ना वो बनाया
एटमी धमाका करके और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमें बहुत प्राउड है।